हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपमर। अभी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल का, जो कि इस साल 2022 से लेकर 2023 का पेपर है, वो भी इंग्लिश का। कल हमने मैथ का पेपर आप लोग के लिए दिया था, आज मैं इंग्लिश का पेपर दे रही हूँ। सो आई होप सो आपके लिए यूज़फुल हो। और ये इंग्लिश पेपर 2022 से लेकर 23 में ऑफकोर्स इसमें से क्वेश्चन क्लास 5 के बच्चों के लिए आ सकते हैं और वेरी यूज़फुल होंगे। सो आई होप सो आपको ये पेपर जो है आपके काम में आए और आपके लिए यूज़फुल हो। सो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, सीन अ कॉम्प्रहेंसन, यानी कि आपके आपके बुक से दिया गया है कोई चैप्टर, जो कि आपको यहाँ से इसमें से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करके यहाँ पर सॉल्व करने हैं। फिर यहाँ पे सेकंड में अनसीन दिया है, जो कि बाहर से कोई चैप्टर दिया हुआ है, उसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, इसमें से पढ़ के हमें इसके आंसर सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया, कोई डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर मेरे से पूछ सकते हो। अभी मैं फ़िलहाल आप लोगों के लिए सिर्फ पेपर शो कर रही हूँ, पेपर आप देख लीजिए। इस बार का यही क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आ सकते हैं। सेकेंड में का ये हो गया अनसीन पैसेज का। थर्ड में देखिए डू एज डायरेक्टर दिया है, जो ग्रामर पोर्शंस है, ये देखिए कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं। सो वेरी यूजफुल क्वेश्चन है, सो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ये रहा उसके बाद पेज नंबर, इस पेज नंबर पर देखिए ये 3 का ही है, ई पार्ट ए बी सी डी ई पार्ट है। ई पार्ट में फिलअप दे रखा है, एफ में सर्कल द प्रोनाउन दे रखा है, जी में सर्कल द एडजेक्टिव दे रखा है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे दिया है वोकेबुलरी, यहाँ पे हमें कुछ दे रखा है, इसे हमें फिल करना है। जैसे यहाँ पे डी दे के डैश डैश दे रखा है, तो ये क्या है, डिस्कस है, फिनिश है, कन्फ्यूजन है, ऑशम है, किचन है, पॉपुलर है, एडवाइस है, मिस्ट्री है, बकेट है, हॉलीडे है। इस तरह से मैंने देखिए आपको बता दिया। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस में कोई भी ऐसा हो कि नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज़ आस्क करें, मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दूँगी। फिर फिफ्थ नंबर पे लिटरेचर दे रखा है, उस लिटरेचर में आपकी बुक से क्वेश्चन आए हैं, आपने ये सब चैप्टर पढ़े होंगे, उसी चैप्टर में से क्वेश्चन आया है, तो इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि लर्न तो आप ही को करना है। उसके बाद ए के बाद बी में भी देखिए कुछ फॉलोइंग द क्वेश्चन इन डिटेल अटैम्प्ट 25, इसमें से कुछ 5 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। उसके बाद नीचे देखिए 5 नंबर क्रिएटिव राइटिंग, यानी कि यहाँ पे कुछ टॉपिक दे रखा है और हमें इस टॉपिक में से एक क्रिएटिव राइटिंग बनाना है, कोई सा भी एक टॉपिक उठा के। तो इस तरह से हमारा जो पेपर था इंग्लिश का 2020 से लेकर 2023 तक, सो इस तरह का है। सो आई होप सो आपके लिए यूज़फुल हो। ये इंग्लिश का पेपर है, जैसे जैसे हमारे हमें पेपर मिलते रहेंगे, मैं आप लोगों के लिए डालती रहूँगी, ताकि आपको पेपर जो है यूज़फुल हो जाए और आपके लिए अच्छे से लर्न हो जाए। सो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद हो। बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल।